चलिए तो मिलते हैं श्रीमती नीलम गोयल जी से, जो तैयारी में हैं काजू के साइड इफेक्ट को करेले के जूस से कम करने के लिए। करेले के छोटे छोटे टुकड़े जूस बनकर जब गले से नीचे उतरेंगे तो काजू का कोलेस्ट्रॉल क्या, खुद काजू भी वहां से भाग जाए। जिस तरह ये फ्रेम फ्रीज हुआ है उसी तरह श्री अशोक गोयल जी ये जूस पीकर फ्रीज हो गए। अब बारी थी काजू की क्रेविंग की, जो करेले का जूस पीने के बाद तो होनी ही थी। तो निकल पड़े अशोक जी काजू हंट पे। कभी इस ड्रॉर में, कभी उस अलमीरा में, शायद फ्रीजर में, या माइक्रोवेव में, किचन में, नमकीन में, शायद इस ड्रॉर में, और फाइनली टिन में हुआ काजू का हंट। मैं काजू खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पहले जहां टशन में बाइक की चाबी लेकर निकला करते थे, अब देखिए शादी के बाद बिना कुछ एक दूसरे को बोले मुंह लटका के चुपचाप टिफिन लेकर ऑफिस को चल दिए। श्रीमती नीलम जी गैस जलाकर दूध उबालते हुए सोच रही हैं कि वो भी क्या दिन थे जब हम बॉनफायर के पास बैठकर रोमांस किया करते थे, और अब तो बस जिंदगी में गैस फायर ही रह गई है। सारी सारी रात एक दूसरे को सिर्फ देखते हुए ही गुजर जाती थी, और अब रोमांटिक मूवी में भी ये सो जाते हैं। बस बस बस, अब और नहीं देखा जा रहा मुझसे। मैं जा रहा हूं, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।